ये जो मोटरसाइकिलों का काम करते हैं इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं महंगाई के बारे में या लाते हाजरा के बारे में, ये क्या बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम आपका जी? हालत महमूद। आप भी इतनी मोटरसाइकिलों का काम करते हैं? तरी। क्या कहते हैं आप महंगाई के बारे में? महंगाई बहुत ज्यादा है जी, 3 गुना हो गई है। कोई चीज 3 गुना है, कोई 4 गुना है, कोई 5 गुना है, और कस्टमर पैसे भी नहीं देता। महंगाई इतनी हो गई है, बहुत ज्यादा है महंगाई। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए नहीं जी इसके बारे में, इतनी महंगाई है, कुछ भी नहीं कर रही, उल्टा और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है हर चीज। आटा 170 रुपये हो गया, पहले जब ये इमरान खान था तो 50 रुपये था, अब 170 है। बताओ ना, 3 गुना 4 गुना महंगाई हो रही है कि चीज 3-3 4-4 गुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम मुकर्रम इज़्ज़त आप दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप ठीक ठाक रस्ते में मुस्कुराते हुए ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे होंगे और हमें भी साथ दिमाग में याद रखा होगा। दोस्तों आज मैं बड़े दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। मरी रोड पे रावलपिंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ और मैं इस बंदे को कम से कम 3 से 4 साल से देख रहा हूँ। ये बंदा मोटरसाइकिलों का काम करता है और मैं इसी से मोटरसाइकिल भी ठीक करवाता हूँ, और ये खुद भी पहले मोटरसाइकिल पे आता था। आज मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये साइकिल पे आ रहा था, तो मैं इससे जानना चाहता हूँ कि ये मोटरसाइकिल इसकी मतलब शॉप भी है, मोटरसाइकिलों की दुकान पे काम भी करता है, खुद ठीक कर सकता है मोटरसाइकिल और मतलब अफोर्ड कर सकता है। ये बंदा मोटरसाइकिल से साइकिल पे आ गया है, अब इनसे जानते हैं ये क्यों आया है। अस्सलाम वालेकुम। देख क्या करते हो आप? मोटरसाइकिलों का काम करते हो, खुद साइकिल पे आते हो, क्या वजह इसकी यार? चलो पेट्रोल महंगा हो गया, तो चलो गवर्नमेंट में को हमारा ख्याल नहीं करता है। आजकल बहुत हालात तंग हो गए, रोटी खाना पानी नहीं मिलता है, काफ़ी दिन हो गए साइकिल चलाते रहो, लेकिन पेट्रोल बहुत महंगा सस्ता नहीं हो रहा आजकल। अच्छा आज 10 साल हो गए गवर्नमेंट का कोई बात नहीं करता था, ये और मतलब कोई मतलब क्या मतलब आप दिल करते हैं कि क्या करो? साइकिल पर आ गए तो साइकिल पर हालात ठीक रहोगे तो फिर क्या करोगे? सर पर काम होगा ना, बट घर में खर्चा भी देना है, हालात रोटी खाना भी तो पूरा चीज नहीं होगी, तो मोटरसाइकिल पेट्रोल पूरा किधर होगा? साइकिल में आता गुजारा कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। तो मतलब अभी और इसके अलावा भी कोई नौकरी शोकरी करते हो या यहीं पे काम करते? यही काम करता हूँ मोटरसाइकिल का। खर्चा पूरा नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? नहीं जी अल्लाह चल गाँव कोई नहीं पढ़ा। मतलब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को बताएं आप चीज आती सस्ता करे, और भी पेट्रोल चीनी आटा बस घर में खाना पूरा पूरा किराया भी पूरा नहीं होता, और बड़े लोले मैं गाड़ी के ऊपर आ जाऊँगा लेट जाऊँगा, और क्या करें? क्या गाड़ी की क्या कह रहे हैं? ऊपर लेट जाऊँगा कोई ऊपर मेरे मैं अपने आप आग लगा दूँगा। ये गवर्नमेंट के लिए ये भी एक अलमिया है कि ये बंदा कह रहा है कि मैं पहले ये बंदा मैं खुद इसका गवाऊँ कि ये पहले मोटरसाइकिल पर आता था, अब ये साइकिल पे आ रहा है, और अब ये कहता है महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि जी चाहता कि मैं सड़क पर लेट जाऊं, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, या अपने आप को मैं आग लगा लूं। ये आज की गवर्नमेंट के लिए ये एक निशान है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, देखें आप कुर्सी कुर्सी खेल के कब तक जीते रहेंगे? आपने भी कब्र में जाना है, इन गरीबों का ख्याल करेंगे तो फिर ही अल्लाह पाक आपको माफ़ करेगा। ये बंदा नहीं, इस जैसे कितने बंदे होंगे बेचारे जो मोटरसाइकिलों से गाड़ियों पर जाते थे और अब वो साइकिल पर आ गए या पैदल आ गए हैं। इतने हालात ख़राब हो चुके हैं मुल्क के, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, अगर मिल भी रही है तो वो बहुत मुश्किल से मिल रही है, लाइनों में लगना पड़ता है। तो मेरी एक उम्र से ये रिक्वेस्ट है, मिन्नत है, इन जैसे लोगों का ख्याल करें, वरना इनकी बद दुआएं आपको कब्रों में भी चैन से नहीं रहने देंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।